नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों इस वीडियो में मैं अमेजन सेलर्स को हॉलीडेज रिगार्डिंग एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अमेजन पर आप फ्लिपकार्ट की तरह हॉलीडेज मार्क नहीं कर सकते। मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते होंगे तो आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट पर आप इंस्टेंटली तो कभी भी हॉलीडे मार्क नहीं कर सकते, लेकिन दो दिन बाद की हॉलीडे मार्क कर सकते हो। जैसे अगर मैं आज चाहूं कि फ्लिपकार्ट पर मुझे कल के लिए हॉलीडे मार्क करनी है, अगर मेरे घर पे कोई फंक्शन है या मुझे कहीं बाहर वेकेशंस पे जाना है, तो मैं ऐसे फ्लिपकार्ट पे हॉलीडे मार्क नहीं कर सकता, लेकिन दो दिन बाद की मार्क कर सकता हूं। जैसे आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जब 27 मई है, तो अगर मैं चाहूं कि 30 मई की मुझे हॉलीडे मार्क करनी है तो मैं कर सकता हूं इजीली, लेकिन मैं चाहूं कि मुझे 28 मई की हॉलीडे मार्क करनी है तो मैं नहीं कर सकता। और अगर कोई आपके घर में इमरजेंसी आ जाती है और आपको हॉलीडे लेनी है, उस केस में तो आपको फ्लिपकार्ट पर केस क्रिएट करना पड़ेगा, टिकट रेज करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ऐसे आप हॉलिडे नहीं ले सकते। लेकिन फ्रेंड्स, अमेजन में एक अलग केस होता है। अमेजन में आप हॉलिडे फ्लिपकार्ट की तरह मार्क नहीं कर सकते, बल्कि इसमें आपको अपने अकाउंट को इनएक्टिव मोड पे डालना पड़ता है। और एक बार जब आपका अकाउंट इनएक्टिव मोड में चला जाता है तो आपकी सभी लिस्टिंग जो है इनएक्टिव हो जाती है, और उसके बाद आपको कोई भी नया ऑर्डर जो है रिसीव नहीं होता। अब मानकर चलिए कि आपको एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए और आप चाहते हो कि आपके ऑर्डर आते रहें, मतलब जो ऑर्डर, अगर आपको कल के लिए छुट्टी चाहिए और आप चाहते हो कि आपको ऑर्डर आते रहें और जो ऑर्डर आ जाए आप उन्हें परसों डिस्पैच कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अमेज़न में आपको अपनी लिस्टिंग इनएक्टिव ही करनी पड़ेगी अगर आप कल अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं हो तो। लेकिन अमेज़न में हर महीने की शुरुआत से पहले अमेज़न सभी सेलर्स को एक मेल करता है, और उस मेल में जो भी सभी फेस्टिवल अपकमिंग मंथ में आने वाले हैं उसके बारे में बताता है। और उस मेल में बेसिकली वो एक सर्वे लिंक प्रोवाइड करता है, और अगर उस फेस्टिवल में आप अवेलेबल नहीं रह पाओगे तो आप पहले से ही हॉलिडे को मार्क कर सकते हो। जिससे होगा क्या कि अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं हो तो आपकी जो लिस्टिंग है इनएक्टिव नहीं होगी, लेकिन आपको ऑर्डर आते रहेंगे, लेकिन आपकी उस पर्टिकुलर डे के लिए ऑर्डर की शिप बाय डेट नहीं आएगी। मान के चलिए अगर अगले महीने में, जैसे अगला महीना जून है और 5 जून को कोई फेस्टिवल है, तो आप अमेज़न पर 5 जून की हॉलिडे मार्क कर दीजिए और उस दिन आपको ऑर्डर डिस्पैच नहीं करने होंगे, लेकिन इसमें आपको लिस्टिंग को इनएक्टिव भी नहीं करना होगा। अगर आप अभी फॉर्म फिल नहीं करोगे और 5 जून को आपको छुट्टी लेनी है, फिर आपको उस केस में लिस्टिंग को इनएक्टिव करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप हॉलिडे मार्क करके बच सकते हो। अभी हाल ही में एक अमेज़न की तरफ से मेल भी आया था, नोटिफिकेशन टू सेलेक्ट द हॉलीडेज फॉर द अपकमिंग मंथ ऑफ जून। हेलो, you currently have the flexibility to select and confirm the festivals or holidays from the list below, on which you will not be able to hand over easy ship orders and accept returns. List of upcoming holidays in June. June 13, 2021 महाराणा प्रताप जयंती, और इसी तरीके से June 14, June 15, June 18, June 24 और June 30 को भी कुछ festivals बता रखे हैं। How do I update the working days for above date? If you choose not to work on the date mentioned above, inform us by following the steps below. Go to the survey form, select option not available for the dates you will not be working, fill in the requested fields and click submit. This form will expire at 12 a.m. on May 29, 2021. Ensure to submit your form before this time. What is the benefit of update working days? Basis the input provided in the form, we would reconfigure a ship holiday for the date on which option not available is selected. This will ensure that your order do not have a ship by date on these dates. This will give you a hassle-free holiday and ensure that your order inflow and account performance metrics are not impacted. What happens if I do not update the form? In case you choose not to provide us a form, the above holidays will be considered by Amazon as a working day for you, the Amazon services team. तो friends, अब आप समझ गए होंगे, और अगर आप इस link पर click करोगे तो देखिए survey form open हो जाएगा, और इस survey form में आपको लिखना है कि आप, जैसे महाराणा प्रताप जयंती June 13 की, ये basically हरियाणा राजस्थान के sellers के लिए mainly है ये महाराणा प्रताप जयंती, तो आप अगर हरियाणा या राजस्थान को belong करते हो और आप इस दिन available नहीं रह पाओगे तो उधर not available select करके, और जिन जिन day भी available नहीं हो पाओगे उधर not available select करने के बाद आपको अपना merchant token लिखना है। मर्चेंट टोकन फेच करने के लिए आप इधर लिंक पे क्लिक कर सकते हो और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखकर आप इधर सबमिट कर सकते हैं, तो उसके बाद उन पर्टिकुलर डे में किसी भी ऑर्डर की शिप बाय डेट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे कि आप एडवांस में ही अमेज़न को बता देते हो कि हम इस पर्टिकुलर डे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर आप बाद में, अगर जून में सोचते हो कि हमें अपना ऑफिस बंद रखना है या किसी वजह से हमारा स्टाफ नहीं आ पा रहा है, हम अवेलेबल नहीं है, वेकेशन पे जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको अकाउंट को ही इनएक्टिव मोड पे डालना पड़ता है। जैसे 5 जून को कोई फेस्टिवल है और 5 जून को आप
अवेलेबल नहीं हो पाओगे। और आप अगर अमेजन पर इधर अपडेट नहीं करोगे अभी, तो अगर आप 4 जून को हॉलीडे लेना चाहो तो नहीं ले सकते। उस केस में आपको फिर अमेजन पे अपने अकाउंट को इनएक्टिव मोड में ही डालना पड़ेगा और आपके सभी ऑर्डर रुक जाएंगे। लेकिन इधर इस केस में क्या होगा, 5 जून को हॉलीडे मार्क कर दीजिए इधर सर्वे फॉर्म के थ्रू, और आपको 4 जून को भी ऑर्डर आएंगे, 5 जून को भी ऑर्डर आएंगे। बस 4 जून और 5 जून को जो ऑर्डर आएंगे उनकी शिप बाय डेट 5 जून नहीं होगी बल्कि 6 जून होगी। तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा और आपकी हॉलीडे भी इजीली आप एंजॉय करोगे, आपका बिजनेस भी कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसलिए ये सभी सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और उनको पता होना चाहिए। आपको भी मेल आया होगा ऐसे ही, और हर महीने की शुरुआत होने से पहले, किसी भी महीने की शुरुआत होने से पहले अमेजन मेल भेजता है सेलर को, तो आपको ध्यान रखना है उस मेल के बारे में। और उस मेल में सर्वे फिल करके जिस जिस दिन भी आप अवेलेबल नहीं हो वो नॉट अवेलेबल मेंशन करके सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये नहीं पता था और इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।